आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल आप कोई भी नौकरी जॉब या कोई व्यापार करते हैं, छोटा मोटा दुकान चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली क्या होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क, साथियों टीम वर्क जो कि इस बिजनेस को दूसरे बिजनेसों से, दूसरे कामों से अलग करता है, क्योंकि आप इस बिजनेस में धीरे धीरे आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, आपका नेटवर्क खड़ा होता जाता है और आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता है वैसे वैसे वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तो ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं रहती है, वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो अभी एक फैक्ट के द्वारा कुछ हम लोग देखना चालू करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में और हमारे इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली क्या अंतर है। हम लोग इसके लिए सबसे पहले समझेंगे कि आप नौकरी में किस तरीके से ग्रो करते हैं, या कोई छोटी दुकान या कुछ आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ काम करते हैं तो किस तरीके से आपके साथ होता है। आप साथियों एक रूल जरूर जानते हैं कि दुनिया में एक ही रूल है, काम के बदले दाम। अगर आप कहीं वर्क करते हैं तब आपको बदले में मनी मिलती है, यानी आपको पहले काम करना होता है, बाद में आपको दाम मिलते हैं और जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको दाम मिलते हैं। साथियों तो यहां हमने इसको डिवाइड किया है काम और दाम के हिसाब से। आप देखिए काम करते हैं हम 8 घंटा 30 दिन लगातार। अगर आप इसको देखते हैं तो अगर हम एक साल सिर्फ काम करें 8 घंटा 30 दिन, तो ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो आपको पोर्शन ब्लू में दिखाई दे रहा है, इसमें आप इतना सारा काम करेंगे, और रेड पोर्शन जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पर, आप इतने सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। यानी आप 8 घंटा 30 दिन काम करते हैं तो आपकी जॉब से जो सैलरी मिलती है वो 20 30 40 50 और 60 70 हजार भी हो सकती है। और इसी तरीके से आप अगर कोई दुकान चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटा मोटा कोई अपना खुद का काम करते हैं, तो आप 8 घंटा 30 दिन के बदले जो भी आप वहां से अर्न करते हैं वो आपको रेड वाला पोर्शन मान लीजिए, और जो आप काम करते हैं उसको आप ब्लू वाला पोर्शन मान लीजिए। और हमने इसको सालों में डिवाइड किया है, लेकिन हर एक साल में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक साल का यही पोजिशन है, फिर क्या होगा, 5 साल बाद भी अगर आप उसी काम को उसी तरीके से, उसी जॉब को उसी तरीके से करते हैं या उसी दुकान को उसी तरीके से चलाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आता है वहाँ पर, क्योंकि आप अकेले काम करते हैं, उसकी लिमिटेशन है। और जॉब में क्या होता है, लिमिटेड घंटे आप काम करते हैं तब भी आपके पास लिमिटेशन है। और थोड़ा सा ग्रोथ 5 सालों के अंदर, थोड़ी सी ग्रोथ 2-4-5-7% 10% की ग्रोथ कुछ हो सकती है आपकी सैलरी में, लेकिन साथियों जितनी सैलरी में ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा खर्चे में ग्रोथ हो रखी होती है, तो इसलिए वो ग्रोथ कोई भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। यानी 5 साल के अंदर भी आप देखिए ब्लू वाला पोर्शन पूरा आप काम करेंगे, 5 साल के अंदर भी आपको जो दाम मिलेंगे वही लिमिटेड, रेड वाला पोर्शन आपको मिलेगा। सेम वे में 10 साल में भी वही होगा, सेम वे में 20 ईयर में भी वही होगा, सेम वे में 30 ईयर में भी वही होगा, और 35 ईयर अमूमन 40 साल 35 साल एक व्यक्ति अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो नौकरी करता है, जो काम करता है, दुकान चलाता है, कोई भी काम करता है, उसमें आपको काम के बदले दाम यानी फिक्स होते हैं। काम आपको पूरे 30 दिन करना पड़ेगा, बदले में दाम मिलेंगे। और वहाँ पर तो नियम है साथियों, अगर आप रिटायर होने वाले महीने में भी अगर आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तब भी आपको तकलीफ होती है। पिछले वक्त में मैं 2 हमारे लीडर्स को रिटायरमेंट करा के लाया, और उनको हम लोग पूछ रहे थे कि रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट के महीने में तो आपने आराम किया होगा, कम गए होंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ। उन्होंने बोला ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है, रिटायरमेंट वाले महीने में भी हमको पूरा वहाँ पर नौकरी पे जाना होता है और भरपूर वही सब चीज़ों को करना होता है जो कि हम लगातार 35 साल से करते आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं एक चार्ट आपके सामने है, लीनियर ग्रोथ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। आप बोलोगे साथियों एक और मन में आपके डाउट आ सकता है कि मेरे फादर जो हैं वो 500 रुपये की जॉब पर करना उन्होंने चालू किया था महीना, और आज उनका 65,000 रुपया महीना उनको मिल रहा है या 70,000 मिल रहा है या वॉट एवर जो भी है। आप बोलोगे यार ग्रोथ तो है नौकरी में,
लेकिन साथियों जो काम 500 रुपए में उस टाइम हो जाते थे, आजकल वो 65,000 में सेम काम नहीं हो पा रहे हैं। यानी ग्रोथ नौकरी ने या तनख्वाह ने नहीं की है, ग्रोथ एक्चुअली महंगाई ने की है, अगर आप ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पीरियड बहुत लंबा है, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ हुई है, लेकिन एक्चुअल में आप उनसे पूछोगे कि जो काम 500 रुपए की सैलरी में होता था, क्या वो आज 65,000 की सैलरी में हो पा रहा है? तो जवाब आएगा नहीं हो पा रहा है, शायद इस तरीके से आपका जवाब आएगा। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों है? कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है, यहाँ पर लोग आपके साथ आते हैं, आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होता जाता है, काम करने वाले हाथ, काम करने वाले दिमाग, आपके नेटवर्क में मल्टीपल हार्स ऐड होते जाते हैं, घंटे जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे घंटे आपके लिए काम होना चालू होता है। इधर हमने 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल इसको हमने ऐड किया था, यानी 35 साल का चार्ट बनाया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में उतना ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ पर वही काम और दाम है, काम करोगे तो दाम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैसे है, 6-6 महीने में हमने इसको डिवाइड किया है। आप देखिए, पहले 6 महीने के अंदर आप बहुत सारा काम करते हैं, और पहले 6 महीनों में बहुत थोड़ी सी इनकम आपको मिलती है, बहुत ही छोटा। यहाँ पर आके लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये पहली शुरुआत में ये बिजनेस नौकरी को भी कंपेयर नहीं कर पाता, नौकरी के बराबर भी तनख्वाह जो 30 दिन बाद आपको एक लिमिटेड तनख्वाह मिलती है उसको भी ये नहीं ले पाता है, उतना भी बराबरी नहीं कर पाता। और ज़्यादातर 6 महीने के अंदर, शुरुआत के 6 महीनों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लोग फेडअप हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग अपने घर वालों के ताने सुन के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। साथियों, हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि शुरू के 6 महीनों में इस बिजनेस में ज्यादा डेथ रेट होती है, ज्यादा घबराते हैं लोग, ज्यादा इस बिजनेस में भगोड़े साबित होते हैं जो लोग आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 6 महीने के अंदर इसका जो आकलन करते हैं वो आकलन उनके बराबर नहीं होता है। और मैं एक और बात जरूर बोलना चाहता हूं, कोई भी सर्वे जो है वो 6 महीनों के ऊपर नहीं किया जा सकता। साथियों, लंबे समय में किसी भी चीज को आप थोड़ा देखते हैं, 2-3-4 सालों तक जब आप किसी काम को देखते हैं तब आप कुछ उसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप 6 महीने काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग फेस होता है ये 6 महीना आपका, इस लर्निंग फेस में आपको बहुत थोड़ी सी इनकम मिलती है। लेकिन मैं दूसरे कामों से अगर बात करूं इसकी, जब आप इंजीनियर बन रहे होते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं, जब आप MBBS कर रहे होते हैं, डॉक्टर बन रहे होते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं, जब आप एक्टिंग सीख रहे होते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं, जब आप कुछ और प्रोफेशनल बन रहे होते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सीखते सीखते भी थोड़ा बहुत जरूर अमाउंट कमाते हैं, क्योंकि यहाँ भी आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बन रहे हैं, प्रोफेशनल बिजनेस में आ रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशन को आपने चूज किया है, इसलिए 6 महीना आप बहुत सारी मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा सा ले पाते हैं। अगले 6 महीने अगर हम देखें साथियों, अगर आप इसमें टिकते हैं तो अगले 6 महीनों में थोड़ी सी आपकी टीम ग्रो कर जाती है। तो आप देखिए, ब्लू वाला पोर्शन यानी काम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और दाम थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क क्रिएट हो गया होता है, कुछ लोगों ने आपकी बात मान ली होती है, कुछ लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहे होते हैं, कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अगले 6 महीने फिर हम देखते हैं तो 18 महीने में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा काम और कम हो जाता है, थोड़े से पैसे और बढ़ जाते हैं। अगले 24 महीनों में यानी 2 सालों में थोड़ा सा काम और कम हो जाता है, थोड़े से पैसे और बढ़ जाते हैं साथियों। और अमूमन 2 साल के अंदर हमारे बिजनेस में अपनी इनकम से लोग गाड़ियां लेके आ जाते हैं, कार खरीद के लेके आ जाते हैं, नौकरी की बराबरी के पैसे यहां पर आने लग जाते हैं, जो लोग इसको शिद्दत से करते हैं, टाइम देते हैं इस बिजनेस में, और अपनी एडजस्टिंग जॉब को करते हुए, एडजस्टिंग दुकान को चलाते हुए, एडजस्टिंग पढ़ाई को करते हुए आप इस बिजनेस में इतने सारे पैसे कमाने की ये ऑप्शन होती है यहाँ पर। और 30th month यानी 2.5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काम थोड़ा सा और कम हो जाता है और पैसे और बढ़ जाते हैं साथियों। और 36th month यानी 36 महीने में जस्ट अपोजिट स्थिति आ जाती है। ऊपर आप 6 महीने में देखते हैं तो काम बहुत ज़्यादा था, दाम बहुत कम थे, यहाँ पर 36 महीने बाद इतना नेटवर्क क्रिएट हो जाता है कि आपके पास काम बहुत कम हो जाता है, थोड़ा रह जाता है, थोड़ा सा एफर्ट करना रह जाता है, थोड़ा सा पंचुअल रहना हो जाता है और पैसे आपको इतने सारे आने लगते हैं साथियों।
इसलिए हमारे इस बिजनेस में बोला जाता है कि लीनियर ग्रोथ में मत फंसिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आप काम करिए। और लीनियर ग्रोथ में अगर आप फंसे हुए हैं, आपको जरूरी है वहां पर काम करना, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, आपकी ईएमआईज हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, नौकरी करते रहिए, साथ साथ हमारे इस बिजनेस को 2-3-4 घंटे देके डेवलप करिए, धीरे धीरे इस बिजनेस में पाइपलाइन डालिए। रोज मैं एक और लाइन हमेशा बोलता हूं, वो लाइन मेरी लाइन फेमस लाइन है कि नौकरी करने के बाद, यानी नौकरी से छूटने के बाद और रात को डिनर करने से पहले, अगर रोज ईमानदारी से आपने 3-4 घंटा इस बिजनेस में डाले, तो आने वाले समय में पूरे खानदान में किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको ये बिजनेस दे सकता है साथियों। तो आपने देखा आई ओपनर फैक्ट के द्वारा, अभी आपकी आंखें जरूर खुली होंगी। आप उनको भी बताइए इस बिजनेस को, जिनको आप इस बिजनेस में लाए हैं, इस हफ्ते लाए हैं, लाने वाले हैं, या आपके साथ ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, उनको ये वीडियो को भेजिए, उनको बताइए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि उनको इस बिजनेस में समय क्यों देना है। तो लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों समझ आई होगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में आके आपसे बात करके, और बस वही बात है कि आप इस वीडियो को अगर आपको मन में पसंद आया है, आपको कुछ बात समझ में आई है, कुछ फैक्ट उजागर हुआ है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम लगातार आई ओपनर फैक्ट ला रहे हैं आपके बीच में, आंखें खोलने वाले तथ्य नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोग बार बार आपके साथ लेके आ रहे हैं। तो आप इसको कर दीजिए, और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए, और अपना इतना सारा प्यार हम लोगों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।